हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। आज हम जानेंगे डी ए फिट ऐप आपका कनेक्ट नहीं हो रहा है आपके वॉच के साथ। तो गाइस, आप अपनी वॉच को कैसे कनेक्ट कर सकते हो, क्या एरर है, क्या प्रॉब्लम है, सारा मैं आपको यहाँ डिटेल्स में बताऊंगा। और इसके बाद आपको ये एरर देखने के नहीं मिलेगा गाइस, 100% मैं बोलता हूँ आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, आपकी वॉच फ्रीली चलेगी, ऐप भी और कनेक्ट भी हो जाएगा। बहुत लोगों का ये प्रॉब्लम आता है गाइस और मुझे कॉमेंट करके बोलते हैं हमारा ये प्रॉब्लम आ रहा है, डी ए फिट ऐप में कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो गाइस, ये बहुत सारे आपका ये ब्लूटूथ का एरर होता है और ये आपके एप्लीकेशन में एरर आने की वजह से कनेक्ट नहीं हो पाता है। आप परमिशन सही से अलाउ नहीं करते बहुत लोग, इस वजह से भी ये प्रॉब्लम आता है। तो यहाँ हम जानेंगे कैसे हमें इस प्रॉब्लम को फिक्स करना है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी वीडियो मिलते रहती है। तो गाइस, सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना है और यहाँ ऐप लिस्ट में जाना है। ऐप मैनेजमेंट में आपको ऐप लिस्ट दिखेगी, ऐप लिस्ट जहाँ आपका एप्लीकेशन होता है। तो यहाँ हमें सिस्टम ऐप में जाना है गाइस, यहाँ एक एरर को आपको फिक्स करना है। शो सिस्टम ऐप में आपको टू डॉट दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। ऊपर शो सिस्टम लिखा है गाइस, तो सिस्टम ऐप हमारा यहाँ शो होगा। अब आपको स्क्रॉल अप करना है और यहाँ आपको ब्लूटूथ दिखेगा गाइस। ब्लूटूथ ये मेन है फ्रेंड्स, ब्लूटूथ की वजह से हमारा कनेक्ट नहीं हो पाता है। तो ब्लूटूथ आपको फाइंड आउट करना है इधर। तो देखिए, यहाँ हमारा ब्लूटूथ आपको दिख रहा है, आपको क्लिक करना है। स्टोरेज यूसेज है गाइस इधर, उसको आपको क्लिक करना है। और गाइस, यहाँ हमें क्लियर डाटा करा देना है, तो इसका क्लियर डाटा करना है। और आपको देखना है परमिशन इसकी ऑन है कि नहीं। अगर आपकी परमिशन ऑफ रहती है तो गाइस ये हमारा कनेक्ट होने में बहुत प्रॉब्लम होता है, इसलिए आपको परमिशन चेक करना है सारी परमिशन इनेबल है कि नहीं। तो गाइस, यहाँ हमारी सब इनेबल है, अगर आपकी इनेबल नहीं होगी तो आपको इनेबल करना है। तो चलिए, अब हम सेकंड स्टेप में जाते हैं। अभी हमें फ्रेंड ऐप लिस्ट में फिर से जाना है और यहाँ डी ए फिट ऐप फाइंड आउट करना है। तो डी ए फिट ऐप आपको ढूंढना है और जो मैं आपको वहाँ बोलूँगा उसको फॉलो करना है। तो देखिए, हमारा डी ए फिट ऐप में आ गए। स्टोरेज यूसेज इसका दिख रहा है, इसका भी क्लियर डाटा कर लीजिए। क्लियर डाटा करने के बाद गाइस, यहाँ हमें क्या करना है, परमिशन चेक करना है बैटरी की। तो एलो फोरग्राउंड एक्टिविटी हमारा चालू है, पर आपका देखना चालू है कि नहीं, ऐसा बंद रहेगा तो आपको ऐसा चालू करना है गाइस। एलो बैकग्राउंड एक्टिविटी भी आपको चालू करना है। अगर आपका ये बैकग्राउंड बंद रहता है तो बैकग्राउंड में ये वर्क काम नहीं करता है। आप अगर गाइस, आपकी वॉच भी कनेक्ट नहीं होती है, बार बार रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, इसलिए आपको एलो बैकग्राउंड कर देना है, बैकग्राउंड में आपका ऐप चल सके और डाटा सेंड कर सके आपकी वॉच को। और वॉच आपकी फ्रेंड, जब भी आप कुछ करते हो डाटा तो इधर से उधर ट्रांसफ़र होता है, आपकी वॉच से इसको बैकग्राउंड में डाटा मिलना चाहिए। हेलो ऐटो लॉन्च भी कर देना है, क्योंकि आप फ़ोन को बंद करते हो फिर चालू करोगे तो खुद ब खुद वो चालू हो जाना चाहिए, ऐटोमेटिक स्टार्ट चालू हो जाना चाहिए। इसके लिए ऐटो लॉन्च आपको देखना है चालू है कि नहीं है। तो आपको ऐसा ऐटो लॉन्च चालू करना है, ऐटो स्टार्ट होगा आपके मोबाइल में। दूसरा है तो रियलमी का नहीं है तो आपके पास मोबाइल कोई भी, तो गाइस जैसे सेटिंग बताओ आपको वैसा करना है। अब ब्लूटूथ में जाना है गाइस, आपको अनपेयर करना है। तो आपकी वॉच के जो जिससे कनेक्ट है उसको अनपेयर करना है, आपके मोबाइल में जो गाइस आपका वॉच का नेम आ रहेगा उसको अनपेयर करना है, आपकी वॉच को रीसेट कर देना है। इधर से अनपेयर करने के बाद आपकी वॉच को पूरा रीसेट करना है, पूरा फॉर्मेट कर देना गाइस। और आपको देखना है एडवांस सेटिंग में जाके आपका ये ब्लूटूथ विजिबल टू अदर डिवाइस है कि नहीं है, तो इतना करना है और उसको इनेबल कर रखे रहने का विजिबल टू अदर डिवाइस को। अगर बंद है तो वो वॉच से कनेक्ट नहीं होगा। अब आपको फ्रेंड यहाँ लॉगिन हो जाना है, सब जगह जैसा बताया वैसा करना है, वॉच को रीसेट करके फिर से न्यू जैसी आती है वैसी करना है और कनेक्ट करना है। और नेटवर्क आपका ऑन होना चाहिए, अच्छा नेटवर्क चाहिए गाइस इसको। और लोकेशन भी ऑन करना है, लोकेशन ऑफ होगी तो कनेक्ट होने में प्रॉब्लम होगा। तो गाइस, आपको जैसा बताया वैसे कीजिए, 100% अब आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और डी ए फिट ऐप की जो मैंने आपको बोला परमिशन, इसकी भी ऑन कर लीजिए। यहाँ हमारा डिनाइड होगा तो ये प्रॉब्लम करेगा, तो इसकी भी आपको परमिशन ऑन करना है। तो सारी अलाउ कर लीजिए गाइस।
तो जो जो मैंने आपको परमिशन देने के लिए बताया वैसा आपको परमिशन देना है, ऐप को डाटा क्लियर करना है, सारे स्टेप फॉलो करने के बाद कनेक्ट कीजिए 100% या आपकी प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। तो दोस्तों ये वीडियो में इतना।